अयाना लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे आ गए हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने पीछे के हिस्से में 70 फंदे डाले हैं और आगे के दोनों हिस्सों में 35-35 फंदे डाले हैं, जिसमें से 7-7 फंदों की बटन पट्टी है। आज का डिज़ाइन 3-3 फंदों के मल्टीपल में बनाया जाएगा। इस डिज़ाइन के सैम्पल का लुक बनने के बाद इस तरह से आएगा। ये सैम्पल हमने आपको 25 फंदों में डाल के दिखाया है और आज का डिज़ाइन हमारा 4 सिलाई में जाके ओवर हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं ये डिज़ाइन कैसे बनेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अब हम चलते हैं सीधा ट्यूटोरियल पे। पहली सिलाई हम सीधी तरफ से सीधी बुनेंगे, इसमें पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे। इसके बाद बहुत ध्यान से देखिएगा, ऊन पीछे ले जाके इस तीसरे फंदे को हम इस तरह से ढीला करेंगे। इसके बाद हम तीसरे फंदे को बुनेंगे सीधा, और ध्यान दें इसे हम सिलाई पर से उतारेंगे नहीं, इसे सिलाई पर ही रहने देंगे। इसके बाद हम दूसरा फंदा बुन देंगे और दूसरे फंदे को भी हम सीधा ही बुनेंगे। इसके बाद हम दूसरे और तीसरे दोनों फंदे को सिलाई पर से इस तरह से उतार देंगे। इसके बाद वापस उन्हीं स्टेप्स को रिपीट करेंगे, ऊन आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। इसके बाद तीसरे फंदे को इस तरह से ढीला करेंगे। इसके बाद हम ऊन पीछे ले जाके तीसरे फंदे को सीधा बुन देंगे और इसको उतारेंगे नहीं, और दूसरे फंदे को भी सीधा बुन देंगे। इसके बाद इन दोनों फंदों को एक साथ उतार देंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके तीसरे फंदे को इस तरह से ढीला करेंगे और फिर तीसरे फंदे को सीधा बुन देंगे और इसको सिलाई पर से उतारेंगे नहीं। इसके बाद दूसरा फंदा भी सीधा बुन देंगे और दोनों फंदों को एक साथ सिलाई पर से उतार देंगे। और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपकी पूरी पहली सिलाई को ओवर करना होगा। एक बात का ध्यान दें, अगर आप हमारे चैनल के अपडेट्स जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं हम फ्यूचर में कौन से वीडियोस अपलोड करेंगे, तो हमारा फेसबुक पेज अयाना लाइफस्टाइल का ज़रूर लाइक करें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही ऊपर मेंशन्ड है। उसको लाइक करके आपको हमारे चैनल के सारे अपडेट्स मिल सकते हैं और आप जान सकते हैं हम फ्यूचर में कौन से वीडियोज़ को अपलोड करेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी पहली सिलाई ऑलमोस्ट ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं दूसरी उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई को हम उल्टी तरफ से प्लेन उल्टा बुनेंगे। उल्टी सिलाई बनते वक्त आपको ध्यान रखना होता है सिलाई का मुंह हमेशा हमारे अंदर की तरफ रहे। और इस तरह से हमारी दूसरी सिलाई भी ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं तीसरी सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू का एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, उसके बाद ऊन पीछे ले जाके, ध्यान से देखिए ये जो दो फंदे हैं इन दो फंदों को हम पीछे से पहले तीसरे फंदे को हम सीधा बुन देंगे, उसके बाद दूसरे फंदे को आगे से हम सीधा बुन लेंगे और इन दोनों फंदों को उतार देंगे। इसके बाद वापस देखिए, ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुन देंगे। इसके बाद इन दोनों फंदों को पीछे से तीसरे फंदे को सीधा बुन देंगे। इसके बाद दूसरे फंदे को आगे से सीधा बुनते हुए दोनों फंदों को उतार देंगे। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ वापस बहुत ध्यान से देखिए। ऊन आगे लाके हम सबसे पहले एक फंदा उल्टा बुन देंगे, इसके बाद दूसरे और तीसरे फंदे को ऊन पीछे ले जाके पीछे से सबसे पहले हम तीसरे फंदे को प्लेन सीधा बुनेंगे, इसके बाद दूसरे फंदे को हम प्लेन सीधा बुन के दोनों फंदों को उतार देंगे। इस तरह से हमें पूरी हमारी सिलाई को ओवर करना होगा।
और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी तीसरी सिलाई भी ऑलमोस्ट ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद चौथी सिलाई आपको दूसरी सिलाई के जैसे प्लेन उल्टी बनानी होगी और इसके बाद पांचवी सिलाई आपको वापस पहली सिलाई के जैसे रिपीट करनी होगी और आपके पूरे डिज़ाइन को ओवर करना होगा। पूरे डिज़ाइन के कंप्लीट होने के बाद का फाइनल लुक बनने के बाद इस तरह से आएगा और यही पे हमारा आज का ट्यूटोरियल भी ओवर होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड बाय।